स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स 9 और इसमें लेक्चर नंबर 1 है आप और इस लेक्चर में हम यूनिट 3 का जो न्यूमेरिकल 3.7 उसको हम सॉल्व करेंगे। आई थिंक कि आपको आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई हम इसके स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। टू मैसेज 26 kg एंड 24 kg आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। 26 kg is lying over a smooth horizontal table. 24 newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. Okay, देखिए इसमें हमने दो केसेस किए थे। ये सेकेंड केस आ जाता है जिसमें एक बॉडी जो है हॉरिजेंटली मूव कर रही होती है और दूसरी बॉडी जो है वर्टिकली। और मैंने आपको बताया था कि दोनों केसेस में जो टेंशन का हमने फार्मूला निकाला था और एक्सलेशन का, वो दोनों डिफरेंट थे। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना होता है कि ये केस 1 है या केस 2, और इसी से रिलेटेड आपने जो फार्मूला है वो आपने अप्लाई करना है। ठीक है, हमारे पास दो मैसेज है, एक 26 और एक है 24 kg। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसके डाटा की तरफ आते हैं। ठीक है, तो डाटा में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है मैस, हम ले लेते हैं। M1 जो है गिवन, ठीक है, गिवन डाटा। इसमें हमारे पास गिवन डाटा में जो चीज़ें आएंगी, सबसे पहले मैस आ जाता है, वो है M1 जो है वो 24 kg ले रहा है। ये वो मैस है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और M2 मैस जो कि टेबल के ऊपर स्मूथली रखा हुआ है। ठीक है, ये है 26 kg। ओके, और हमने दोनों केसेस में हमने रिक्वायर्ड क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है इसमें एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करनी है, और सेकंड वन हमने एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर आपको याद हो तो टेंशन और एक्सेलरेशन का सेपरेट फार्मूला था। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की तरफ आते हैं, उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम फार्मूला लिख रहे हैं, वो है ए इज़ इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इनटू जी। ओके, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। M1 हमारे पास 24, और यहाँ से अगेन 24, ये है 26, और जी की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास 10 m/s². ठीक है, ये आप यहाँ सेपरेट भी लिख लें कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो होता है उसकी वैल्यू 10 m/s² होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा, और ये 10 जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसके बाद 24 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर, 5 for the 20 और 5 8 the 40, इट मीन्स 4.8 m/s² जो है आपका एक्सलेशन जो है वो फाइंड होगा। ओके, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करनी है, यानी टेंशन, सॉरी इस केस में हमारे पास स्ट्रिंग ही है और इसी की हमने टेंशन फाइंड करना है। तो टेंशन का फार्मूला क्या है हमारे पास, M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इनटू जी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, M1 हमारे पास 26, चलिए यहाँ मैंने 20 M1 की जगह 26 लिख दिया। ओके, कोई बात नहीं, तो क्योंकि M1 और M2 दोनों कटी हैं, 24, और यहाँ मैं 24 प्लस 26 इनटू 10। ओके, जब आप 26 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 624 वैल्यू आएगी। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 और मल्टीप्लाई 10, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, और जब आप 624 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास, चले हम डिवाइड कर लेते हैं, यू कैन यूज़ अ कैलकुलेटर ऑल्सो, लेकिन इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। 5 to the 10, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 5 4 the 20, और 5 8 the 40। ओके, तो इसे अगर हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 125, और टेंशन जो है उसका यूनिट क्या है, वो न्यूटन है। ओके, नाउ विल राइट द रिजल्ट, अब हमें रिजल्ट भी लिखना है। नाउ द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सलरेशन आर 4.8 m/s² एंड 125 N। ओके, तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल। आपको समझ आ गई होगी, हर चीज़ क्लियर होगी। अल्लाह हाफिज़।